एटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो आज जम्मू की एक जिम ने जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जिम के साथ साथ डांडिया नाइट जो है वो भी की गई। यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं हमारे साथ बात करने के और कुछ यूथ हैं हमारे साथ बात करने, जानते हैं इनसे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इनका। मैम पहले आपका नाम? जी मेरा नाम नीति कौर है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा क्योंकि आज जम्मू में फर्स्ट टाइम एक जिम ने इनिशिएटिव लिया? ये बहुत ही अच्छा था और लेडीज़ के लिए तो सबसे बेस्ट है कि उनकी फिटनेस के साथ साथ उनको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए एंटरटेनमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे ही अब लेडीज़ घर में रहती है उनकी एक ही जैसी दिनचर्या में, वो अपने लिए तो क्या टाइम निकाल नहीं पाती, लेकिन आज हम लेडीज़ को अपनी जिस तरह से ओबेसिटी का शिकार होना पड़ रहा है और उसके साथ साथ अगर उसमें हम फिटनेस के साथ साथ थोड़ा सा उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए लाइक छोटे छोटे इवेंट्स इस तरह से करवाते रहे, लाइक जैसे आज हमने इनिशिएटिव आरजी फिटनेस ने लिया है कि आज उसने उन्होंने लेडीज़ के लिए एक छोटा सा टी पार्टी भी रखा है और साथ फिटनेस के साथ साथ उनको डांडिया इवेंट भी में भी आने के लिए इनवाइट किया है। तो ये मैं सब मेंबर्स की तरफ से और खुद भी आप आरजी फिटनेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। टाइम कम है, सबसे बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। आपको किस तरह का एक्सपीरियंस रहा क्योंकि डांडिया जो है गुजरात से शुरू हुई थी और जम्मू में इसको इतना लोग नहीं देखते थे? मैंने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है कि जम्मू में यहाँ डांडिया हो रहा है और सबसे पहले तो थैंकफुल हूँ कि मैं आरजी फिटनेस का जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। हम तो यहाँ जिम करने आते हैं, जिम के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हमें करने का मौका मिला, उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपका नाम? सिमरन। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका क्योंकि आप जिम भी आते हो यहाँ पर, अपना हेल्थ के रिगार्डिंग भी आते हो, तो हेल्थ के रिगार्डिंग साथ साथ में इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर होती रहे तो किस तरह का लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, जैसे हर फेस्टिवल हम यहाँ पे अगर फैमिली की तरह सेलिब्रेट करेंगे तो हमें ये हमारी एक फैमिली बन जाएगी हमारे लिए। और अभी 1 मंथ ही हुआ है हमें ये, मेरे को ये जिम ज्वाइन की हुए, तो जिम के साथ साथ ये हमारे लिए एक सरप्राइज़ था जो हमें मिला और हमें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम इनके लिए थैंक यू बोलेंगे इनको और ऐसे ही हर फंक्शन साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे साथ एक और बच्ची है, काफ़ी नाच रही थी, झूम रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी डांडिया को लेकर, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ये फर्स्ट टाइम में हम जम्मू में ये कर रहे हैं डांडिया, तो इतना अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा, सारे सजे धजे हुए हैं, मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, फुल एक्साइटमेंट में, एक बहुत ही अच्छा माहौल है, तो मैं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आज फेस्टिवल है क्योंकि सारी लेडीज़ जो है वो सजी हुई हैं। बिल्कुल फेस्टिवल ही फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा आज फिटनेस ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है इससे काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो चुका है, बहुत अच्छा डांस, सब मज़े एंजॉय कर रहे हैं, तो इट्स अ रियली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। इनसे बात करेंगे, आज फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएटिव लिया गया, नाचना कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप नाचे हो, थक तो नहीं गए? नहीं नहीं, हमने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, मैंने तो मतलब जिम ज्वाइन किया, मैं तो इससे पहले बाहर थी, मैंने नहीं देखा होगा कि बाहर भी ऐसे मतलब किसी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया होगा ऐसा कोई भी फेस्टिवल, जिम के साथ साथ कोई भी फेस्टिवल, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसे ही एंटरटेनमेंट वो होने चाहिए यहाँ पे, और ये मतलब आरजी फिटनेस ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हम सबको कि हम सब इनकी फैमिली का पार्ट बने और बहुत अच्छे से करें। आरजी फिटनेस के ऑनर भी हमारे साथ रेवंत गुप्ता जी, लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि ऐसा इनिशिएटिव लिया, आगे किस तरह के इनिशिएटिव लेने? आगे अभी देखते हैं, जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ नया जम्मू के लिए ला रहे हैं, तो जहाँ तक हो पाएगा जो बेस्ट से बेस्ट हो पाएगा वो हम जम्मू के लिए करेंगे। अब ये बताइए कि इस तरह का कंसेप्ट किस तरह से आया माइंड में आप? एक्चुअली मैं देख रहा था कि जम्मू में गरबा का इस साल थोड़ा सा आया है, लोग करा रहे हैं, तो मेरे माइंड में आया कि यार लोग बुला रहे हैं यूथ को, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनको गड़बा करा रहे हैं, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जिम में लॉन्च कर दिया कि जिम मेंबर्स तो है ही हैं, आउटसाइडर भी कोई आना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनसे कोई एंट्री फीस नहीं लेंगे हम, वो हमारे गरबा में आके एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा मुझे, हमारे लोकल बहुत सी लेडीज़, बहुत सी लड़कियाँ, बच्चियाँ घर से आई हैं और सब ने ये चीज़ बड़ी अच्छे से फील किया कि जम्मू के अंदर मतलब जिम में हमें ये सब मिल रहा है, तो सबका तो अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बाकी माँ भगवती को खुश करने के लिए हमने ये आयोजन किया था, और चलो माता रानी की कृपा रहेगी, तो आगे जैसे जैसे हम चल रहे हैं कुछ ना कुछ बेस्ट जम्मू के लिए करते रहेंगे। इतना सही रहता है कि हेल्थ के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी जो है होती रहे। देखो सर, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि अगर आप अपने काम में लगे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा फिटनेस की ओर लेके आएँ, ज़रूरी नहीं जिम जाएँ, योगा करें, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करें, मगर अपने लिए 1 से 1.5 घंटा निकालें, और जो हमारे पास आ रहे हैं हम उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। इवन हमारे यहाँ की कुछ लेडीज़ हैं दो, जिनका 40 डेज में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म है, जिनको 3 साल पुराना सूट दोबारा फिट हुआ है, तो आज हम उनको भी यहाँ पे इसी दिन हम उनको कुछ गिफ्ट देकर हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं कि हमारी जिम का उन्होंने नाम रोशन किया है, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, तो ये तो आप लोगों ने सुना होगा, और जिम में फिटनेस में हर चीज़ में हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, जब आप अपनी ज़बान पे, जब आप खाने पीने में प्रेस करते हैं तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिक दिखता है।
मुझे बात करें तो फिटनेस के साथ साथ जो है हार्डवर्क भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और आज ही फिटनेस की तरफ से आज एक इनिशिएटिव लिया गया कि आज डांडिया नाइट जो है वो जिम के अंदर करवाई गई। और आपकी क्या राय है आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक ले बने रहिए आप A10 न्यूज़ के साथ।